कैप सस्टेन नहीं हो पाया, इस समय फ्लैट होता हुआ अब निफ्टी बैंक। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग सचिन, आपके प्रिफर्ड पिक्स इस समय 10 के दमदार ट्रेड्स के लिए। इस समय इसलिए स्ट्रेस डाल रहा हूं क्योंकि सचिन 9 बजे से हमारे साथ वैसे जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। क्लियरली यहाँ पर जैसे वीरू जी ने विश्लेषण किया है, राइटर्स के कंट्रोल में काफ़ी मार्केट है एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ में ही इंटरेस्टिंग मूव्स होने चाहिए, क्योंकि अनवाइंडिंग प्रेशर अहेड ऑफ दी हॉलीडे पीरियड मुझे लग रहा है उसके वजह से थोड़ी सी मार्केट में एक मूवमेंट मिल सकती है ऑन द लॉन्ग साइड। बट अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी एक अच्छी सस्टेनेबल रैली चेस करने के लिए। एंड मुझे लग रहा है नीचे अगर हम सपोर्ट्स देखें तो 37,700 के आसपास जैसे बैंक निफ्टी आ चुका है, अगर यहाँ से थोड़े से स्लिपेजेस हो जाते हैं 650 के आसपास के लेवल्स अगर मिलते हैं तो मुझे लग रहा है वो एक अच्छा लेवल होगा जहाँ पर कुछ लॉन्ग्स डिप्लॉय करने चाहिए। ऑन द हायर साइड ट्रेजेक्टरी यही होगी कि आज की एक्सपायरी बैंक निफ्टी की कही जाकर 38,200 इसी पर्टिकुलर रेंज में शेपअप होनी चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर एक बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति से यू नो प्रोसीड करना है ड्यूरिंग द डे। बैंक निफ्टी एक प्रेफर्ड चॉइस होगा, 37,650 एक आइडियल जोन है जहाँ पर लॉन्ग्स आपको डिप्लॉय करने हैं, स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 37,460 के आसपास एंड टारगेट होगा अराउंड 38,200। दोनों अगर हम यू नो स्टॉक्स देखें तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक एंड रिलायंस के बारे में हमने सुबह बात की थी, दोनों में इनिशियली काफ़ी अच्छे अपटेक्स मिले थे, उसके बाद वापस एक अच्छे करेक्टिव आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है ट्रेड के लिहाज से इन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड सेटअप्स के साथ ही आपको रहना चाहिए। रिलायंस में हमने 2605-2603 के आसपास के स्विंग्स देखे हैं एंड वापस वहाँ पर स्टॉक रिट्रेस हो रहा है अपने इनिशियल बाइंग जोन के आसपास। तो यहाँ पर मैं रीआइट्रेट करना चाहूँगा रिलायंस का ट्रेड सेटअप, खरीदारी करनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2574 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे का टारगेट इंटैक्ट है 2610 का, पोजिशनल टारगेट होगा 2650 का। एंड एक्सिस बैंक का सेटअप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहा है, 800 के स्ट्राइक में अनवाइंडिंग प्रेशर अभी तक आया नहीं है, बट अगर वो आ जाता है तो काफ़ी बड़ी अपमूव इस पर्टिकुलर यू नो काउंटर में नजर आ सकती है। तो वापस जो एक पुल बैक मिला है मुझे लग रहा है वो यूटिलाइज करना चाहिए खरीदारी करने के लिए। 789 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, पहला टारगेट होगा 815 का एंड पोजिशनल